स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय के आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको गैंट चार्ट बनाना सिखाऊंगा कुछ इस तरह से। तो मैंने गैंट चार्ट बनाया हुआ है जहां पर हमारी जो एंड डेट है वो डायनेमिक है, हमारे ड्यूरेशन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं उसे। जैसे कि मैं यहाँ पर 5 लिख दूंगा ड्यूरेशन, तो हमारी जो एंड डेट है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगी, और यहाँ पर जो हमारा चार्ट डायग्राम है वो भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन का टाइप दिया, हम जिस भी डेट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे वहां पर उस डेट को ये हाईलाइट कर देगा। यहाँ से हम अपना जो स्टेटस है उसे चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने के बाद हमारा जो बार है उसका कलर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो ये जानते हैं कि मैंने कैसे बनाया है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने के मिलेगा, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर बने रहें। इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको कुछ नया सीखने मिले। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक नई एक्सेल शीट में कुछ कॉलम सेट कर लिए हैं। पहला कॉलम है एक्टिविटी लिस्ट। हमारे पास जो भी एक्टिविटीज होंगी उनको हम यहाँ पर लिस्ट कर लेंगे। स्टार्ट डेट, एंड डेट, ड्यूरेशन और स्टेटस। मैंने यहाँ पर स्टार्ट डेट पॉपुलेट कर लिया हुआ है। एंड डेट को हम अपने ड्यूरेशन के हिसाब से एडजस्ट करेंगे, और स्टेटस में मैं डेटा वैलिडेशन लगाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हम एक्टिविटी 1 को 1st अगस्त से स्टार्ट करेंगे और उसे 10 दिन लगेंगे कंप्लीट होने में। तो हमारा जो एंड डेट होना चाहिए वो 1st अगस्त से 10 दिन के बाद होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू स्टार्ट डेट प्लस ड्यूरेशन माइनस 1। एंटर प्रेस करेंगे और ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ये सेम फॉर्मूला सारे सेल्स में अप्लाई करने के लिए इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे और सभी सेल्स में सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब ये डायनेमिक एंड डेट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर ड्यूरेशन चेंज करते हैं, मान लीजिए इसको हम 7 से 12 कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली अपडेट होकर 15 हो जाएगा यहाँ पर। अब हम स्टेटस के अंदर डेटा वैलिडेशन लगाएंगे। उसके लिए पहले तो हम इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, डेटा पर आ जाएंगे, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, अलाउ के ड्रॉप डाउन में से हम लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, और सोर्स में हम टाइप कर देंगे अपनी 3 वैल्यूज। एक तो होगा कंप्लीटेड, कॉमा लगाकर, दूसरा होगा हमारा इन प्रोग्रेस, कॉमा लगाकर हम थर्ड स्टेटस देंगे जो कि है पेंडिंग। इसके बाद ओके प्रेस कर देंगे। ओके प्रेस करने के बाद हमें यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाएगी, और यहाँ से हम अपने तीनों स्टेटस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए इन सभी में एक डमी स्टेटस डाल देता हूं। अब नेक्स्ट हमें अपने कॉलम्स में डेट को पॉपुलेट करना होगा माइलस्टोन्स को कैप्चर करने के लिए। तो कॉलम में डेट्स को ऐड करने के लिए पहले तो हम अपनी पहली स्टार्ट डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो एंड डेट है लास्ट का वो 31st अगस्त है। तो हम 31st अगस्त तक इसको फिल इन करेंगे। यहाँ पर नीचे छोटा सा डॉट दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करके हम इसे ड्रैग कर लेंगे राइट साइड में, और 31st अगस्त तक हम इसे ड्रैग कर लेंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद हम इन सारे ही कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेंगे और इनका ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे। हम राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या फिर हम शॉर्टकट की मदद ले सकते हैं, Ctrl+1 प्रेस करेंगे, फॉर्मेट सेल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम अलाइनमेंट में चले जाएंगे और यहाँ पर ओरिएंटेशन का ऑप्शन है, इसे हम चेंज करके 90 डिग्रीज कर देंगे, ओके कर देंगे, और यहाँ पर ये 90 डिग्री में चेंज हो जाएंगे हमारे सारे डेट्स। हम इस पूरे डेटा सेट को सिलेक्ट करके कॉलम का जो साइज है उसे एडजस्ट कर देंगे। तो इसे मैंने एक सिंगल व्यू में एडजस्ट कर लिया अभी के लिए। इसके बाद हम इस कॉलम में अपना फॉर्मूला एंटर करना स्टार्ट करेंगे, जिसकी मदद से हमारा जो माइलस्टोन है या फिर हमारा जो एक्टिविटी का प्रोग्रेस है यहाँ पर कलर वाइज हाईलाइट होगा। तो यहाँ पर हम अपना लॉजिकल फॉर्मूला एंटर करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इफ फॉर्मूला समझने में थोड़ी परेशानी होती है तो आप मेरे लॉजिकल फॉर्मूला की सीरीज को देख सकते हैं, मैं ऊपर आई बटन दे दूंगा, उस वीडियो को जाकर आप देखें तो आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे कि हम कैसे, कब और किन केसेस में इफ के नेस्टेड और सिंगल फॉर्मूलास यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको फॉर्मूला ठीक से क्लियरली दिखे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम पहले अपना फॉर्मूला एंटर करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इक्वल्स टू इफ, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और एंड का फॉर्मूला यहाँ पर एंटर करेंगे। एंड इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट देने वाले हैं, और हमारे जो मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट होंगे वो दोनों ही या फिर तीनों ही ट्रू होंगे, तब जाकर हमें अपनी वैल्यू मिले, ट्रू की वैल्यू मिले या फिर हमारे फॉल्स की वैल्यू आ जाए अगर एक भी लॉजिकल टेस्ट इनकरेक्ट हुआ तो। यहाँ पर पहला लॉजिकल टेस्ट हम ये देंगे कि हमारा जो डेट है ये G4 में जो डेट है हमारा, इसे हम यहाँ पर डॉलर साइन डालकर इसे लॉक कर लेंगे अपने रो को फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमारा जो रो है वो चेंज नहीं होगा। हमारा कॉलम जरूर चेंज होगा लेकिन रो जो है हमारा वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये सारी वैल्यूज रो में ही है यहाँ पर। अगर ये G4 की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमारी स्टार्ट डेट है, यहाँ पर हम अपने कॉलम को फ्रीज कर लेंगे डॉलर का साइन डाल के, क्योंकि हमारा जो कॉलम है वो सेम रहने वाला लेकिन रोज चेंज होती रहेंगे यहाँ पर, तो इसलिए हम अपने कॉलम को फ्रीज कर लेंगे। ये हो गया हमारा पहला लॉजिकल टेस्ट, या कि हमारी G4 की जो वैल्यू है, जो G4 की डेट है वो अगर स्टार्ट डेट से बड़ी है या इक्वल है। और जो दूसरा रीजनिंग होगा वो होगा G4 <= हमारा एंड डेट है। सिमिलरली हम यहाँ पर भी कॉलम को फ्रीज कर लेंगे डॉलर साइन लगाकर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अगर हमारे दोनों ही लॉजिकल टेस्ट सही है तो हमें यहाँ पर F5 की वैल्यू आ जाए जो कि हमारा स्टेटस है। हम यहाँ पर कॉलम को फ्रीज कर लेंगे अगेन कॉमा लगाकर, अगर ये फॉल्स है
तो यहाँ पर ब्लैंक वैल्यू आ जाए। ओके, तो इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो यहाँ पर हमें हमारा स्टेटस मिल गया है। तो अब इसी फॉर्मूला को हम कॉपी करके इन सारे ही सेल्स में पॉपुलेट कर देंगे, जहां तक हमारा ऊपर का हेडर है उन सारे कॉलम्स में हम इसे पॉपुलेट कर देंगे, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे सिंपली, और ये सब में आ जाएगा ये फॉर्मूला अपने आप। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखा देता हूँ व्यू, तो कुछ इस तरह से हमारा जो शीट है वो दिखेगा। इसके बाद में यहाँ पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करेंगे, ताकि हमें यहाँ पर जो वर्डिंग्स आ रही है कंप्लीटेड, इन प्रोग्रेस या फिर पेंडिंग, उसकी जगह पे हमें अपने कलरफुल बार्स नजर आए, तो उसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से पहले मैं जो अपने रोज है इन सभी रोज की जो विड्थ है मैं उन्हें अपडेट कर लूंगा रो विड्थ को, तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर 25 डाल दूंगा मैं अभी के लिए। ओके प्रेस कर देंगे, हमारे रो की विड्थ बढ़ चुकी है। इसके बाद मैं इस कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट करके इसके थोड़ा अलाइनमेंट सेंटर कर लूंगा। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए पहले तो हम इस कंप्लीट सेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, जहाँ पर भी हमारे माइलस्टोन सेंटर है, उसको सिलेक्ट करने के बाद हम होम पे आ जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आ जाएंगे, न्यू रूल्स पे क्लिक करेंगे और वहां से जा सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन ये कि हम ऑल्ट ओडी प्रेस करेंगे और ये न्यू रूल्स का विंडो ओपन हो जाएगा डायरेक्टली। न्यू रूल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन पर सेल वैल्यू, बिटवीन के ड्रॉप डाउन में से हम सिलेक्ट करेंगे इक्वल, यहाँ पर हम लिख देंगे कंप्लीटेड। अगर सेल की वैल्यू कंप्लीटेड है तो हम चाहते हैं कि उसका ग्रीन कलर हो, तो मैं यहाँ पर ग्रीन कलर दे दूंगा कुछ इस तरह से, और फिर ओके प्रेस कर देंगे और यहाँ पर ओके प्रेस कर देंगे। अब फिर से न्यू रूल पर क्लिक करेंगे और सेकेंड रूल क्रिएट करेंगे हम अपने पेंडिंग स्टेटस के लिए, तो यहाँ पर सिमिलरली हम चले जाएंगे इक्वल टू पर, यहाँ पर लिख देंगे पेंडिंग, फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और इसे हम रेड कलर दे देंगे, ओके पर प्रेस करेंगे, फिर से ओके, फिर से न्यू रूल क्रिएट करेंगे, अगेन सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ड्रॉप डाउन से इक्वल टू सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर इन प्रोग्रेस डाल देंगे फॉर्मेट और इसे हम ब्लू कलर दे देंगे, लाइट ब्लू कलर, ओके अगेन ओके अप्लाई कर लेंगे ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो कलर कोडिंग है वो आ चुकी है। अब यहाँ पर जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को हमें हटाना होगा। अब टेक्स्ट को यहाँ से हटाने के लिए हम पहले तो इस एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम फॉर्मेट सेल सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर हम नंबर टैब पर आ जाएंगे, लास्ट में कस्टम ऑप्शन पर आ जाएंगे, यहाँ पर जनरल लिखा हुआ है इसको हटाकर यहाँ पर तीन बार हम सेमी कोलन एंटर करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे, तो यहाँ से हमारे जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स चले जाएंगे आप देख सकते हैं, और सिर्फ कलर कोडिंग रह जाएगी, जैसे कि यहाँ पर कंप्लीटेड है तो इसलिए यहाँ पर ग्रीन है, इन प्रोग्रेस है तो ब्लू है, पेंडिंग है तो रेड है। अगर मैं इन प्रोग्रेस को चेंज करके पेंडिंग कर दूं तो ये रेड हो जाएगा, कुछ इस तरह से काम करेगा। इसके बाद हम व्यू टैब में चले जाएंगे और ग्रिड लाइंस को हटा देंगे, यहाँ पर ग्रिड लाइंस के ऊपर चेकबॉक्स है टिक्ड है, इसे हम हटा देंगे तो ग्रिड लाइंस हमारी चली जाएंगी, यहाँ से देख सकते हैं आप लाइंस जो थी वो चली गई। नेक्स्ट हम अपने इस शीट को थोड़ा सा डिजाइन कर लेंगे, हम इसके हेडर्स को सिलेक्ट कर लेंगे, जब बोल्ड कर देंगे होम पर आ जाएंगे और यहाँ पर इसे एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे, मैं इसे लाइट येलोइश कलर दे दे रहा हूँ अभी के लिए, और इसी तरह से हम इस सेक्शन को भी सिलेक्ट कर लेंगे और इसे भी एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे, तो मैं लाइट ग्रीन कलर दे देता हूँ, बोल्ड कर लेंगे इसे भी, इसे सिलेक्ट करके कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट करके इसे एक आउटलाइन दे देते हैं, आउटसाइड बॉर्डर पर सिलेक्ट कर क्लिक कर देंगे आउटसाइड बॉर्डर, अब इसे सिलेक्ट करेंगे इसे आउटसाइड थिक बॉर्डर दे देंगे हम, उसी तरह से इसे भी सिलेक्ट करके पहले तो इसे ऑल बॉर्डर दे देंगे और आउटसाइड थिक बॉर्डर दे देंगे। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो इंपॉर्टेंट माइलस्टोन हो इन डेट्स में से हम उस एरिया को हाईलाइट कर सके, तो यहाँ पर मैं एक हेडर दे दूंगा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, से दो सेल्स में मर्ज करके ले लेंगे। उसके बाद उसके बगल वाले सेल में हम डेटा वैलिडेशन ले लेंगे, तो यहाँ पर डेटा पर चले जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिस्ट सिलेक्ट कर लेंगे और सोर्स में हम इन सारी डेट्स को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से ओके प्रेस कर देंगे, यहाँ पर ड्रॉप डाउन आ जाएगा, अभी के लिए हम किसी भी एक डेट को सिलेक्ट कर देंगे 5 अगस्त को, तो यहाँ पर ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में आ रहा है, तो इसे चेंज करने के लिए हम कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, कस्टम में आ जाएंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे D-MMM, सेम फॉर्मेट रखेंगे यहाँ पर भी, ओके प्रेस कर देंगे, ये सेम फॉर्मेट में आ जाएगा। उसके बाद हम इसे थोड़ा बोल्ड कर लेंगे दोनों ही नंबर्स को, दोनों ही सेल्स को, और इसे एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे पिंकिश टाइप में, ऑल बॉर्डर अप्लाई कर लेंगे यहाँ पर। अब हम बेसिकली चाहते हैं कि हम यहाँ पर कोई भी जो भी डेट सिलेक्ट करें वो डेट यहाँ पर हाईलाइट हो जाए, तो उसके लिए हम इस कंप्लीट सेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, पहले तो ऑल्ट ओडी प्रेस करेंगे और न्यू रूल्स पर आ जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस ऑप्शन पे आ जाएंगे यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला एंटर करेंगे, यहाँ पर इक्वल्स लिख लेंगे और अपने पहले डेट को, अपने जो माइलस्टोन की पहली डेट है उसे सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर कॉलम के यहाँ से हम डॉलर साइन हटा देंगे क्योंकि हमें रो को ही फ्रीज रखना है, क्योंकि हमारी सारी वैल्यू रो में है, तो इसलिए हम रो को फ्रीज रखेंगे डॉलर साइन के साथ, और यहाँ पर इक्वल्स टू और अपनी जो इंपॉर्टेंट माइलस्टोन की डेट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे हम। उसके बाद फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर बॉर्डर्स टैब पर आ जाएंगे, इस बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ लेफ्ट साइड और राइट साइड पे क्लिक करेंगे, ओके प्रेस कर देंगे और ओके प्रेस कर देंगे, फाइनली इसे अप्लाई करके ओके प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 5th अगस्त की डेट सिलेक्ट की हुई है, तो यहाँ पर 5th अगस्त के यहाँ पर हमें ये डॉटेड लाइन्स मिल रही हैं। अगर हम यहाँ से डेट चेंज करके मान लीजिए कि इसे हम कर देते हैं 21st को, तो 21st के पास ये डॉटेड लाइन्स आ जाएंगी। तो मैं जूम करके दिखा देता हूँ,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉटेड लाइंस आ गई हैं। अब हमारा एक फाइनल स्टेप रह गया है यहाँ पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस एरिया में हमारा जो फॉर्मूला है वो पॉपुलेट हो रहा है। तो इस फॉर्मूला को यहाँ से हटाने के लिए हम पहले तो इस कंप्लीट शीट को सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स पर क्लिक करेंगे, प्रोटेक्शन पे आ जाएंगे और यहाँ पर लॉक का जो ऑप्शन है उसे अनचेक कर देंगे और इसे ओके प्रेस कर देंगे। अब सिर्फ हम इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमारी डेट्स हैं, यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पर आ जाएंगे, वापस प्रोटेक्शन में आ जाएंगे, लॉक्ड और हिडन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ओके प्रेस कर देंगे। अब फाइनली हम रिव्यू टैब पर आ जाएंगे, यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन है, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आप पासवर्ड लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं अभी के लिए पासवर्ड नहीं लगा रहा हूँ, सिंपली ओके प्रेस करेंगे और यहाँ से हमारी सारी फॉर्मूलाज डिसअपियर हो जाएंगे और ये जो एरिया ये लॉक्ड हो जाएगा, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता यहाँ पर। दोस्तों ये फाइनली हमारी जो गैन चार्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो चार्ट है वो कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो ये थे कुछ सिंपल स्टेप्स जिसे फॉलो करके आप ये चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल अनऑफिशियल कार्यालय को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।